1982 में इस ईश्वरीय ज्ञान के संपर्क में आई और 1992 से समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रही हैं। शुरू शुरू में आपने फिरोजाबाद में रहकर अपनी सेवाएं दी और वर्तमान समय सिकटिया अरेराज में आपके कुशल निर्देशन में वहाँ की सेवाएं फलीभूत हो रही हैं और भगवानपुर में जो रिट्रीट सेंटर बन रहा है वहाँ भी आप समय प्रति समय जाकर अपनी सेवाएं देती हैं। बिहार में जहाँ कहीं भी सेवा केंद्र खुलते हैं तो वहाँ प्रारंभ में रहकर सेवाओं को शुरू कराने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आपका सरल स्वभाव, कुशल व्यवहार, हर्षित मुख चेहरा, सदा हाजी करना, ऐसी आपकी विशेषता औरों को प्रेरणा देती है। सदा आप संतुष्ट रहकर सबको संतुष्ट करती हैं, अथक सेवाधारी हैं, ऑलराउंड सेवाधारी हैं, हड्डी सेवाधारी हैं। ऐसी महान आत्मा आज हमारे बीच उपस्थित है तो हम पुनः दीदी जी का अभिवादन करते हुए निवेदन करते हैं, दीदी जी हम सबको क्लास कराएंगी। ओम शांति, ओम शांति, सभी को शांति की अनुभूति हो रही है। हाँ जी, नहीं हो रही है लगता है। वो आवाज बता रहा है। चलिए, बहुत अच्छा, आप सभी को अच्छा लग रहा है। आप सभी कहाँ बैठे हैं? हाँ, मधुबन में, बाबा के घर में। नहीं, देखिए बाबा की आप सभी बच्चों पर विशेष नजर है। नहीं, आप भले चाहें न चाहें लेकिन बाबा कैसे भी करके आप सभी को तैयार करके और अपने ही साथ लेके जाएगा, छोड़ के नहीं जाएगा कि छोड़ के जाएगा, है ना। उन्होंने बाबा ने कहा मैं बंधा हुआ हूँ, मैं आपको लेके जाऊँगा, आप चाहो न चाहो। तो हम सभी की चाहना तो है ही है ना कि हम बाबा के साथ चलेंगे। तो हम सभी को बाबा के साथ अपने घर वापस चलना है। तो चलने से पहले क्या करना होगा? क्योंकि जब कहीं हम यात्रा पर निकलते हैं, चाहे वो परिवार के बीच में या कहीं भी घूमने के लिए, अपनी एक तैयारी होती है, चाहे वो छोटी तैयारी हो या बड़ी हो, तैयारी तो तैयारी है। जैसे यहाँ भी बहुत सारे जो भाई बहने आज उपस्थित हैं, जो भी जहाँ से भी आए हैं, सभी अपनी अपनी तैयारी से आए हैं ना, हाँ, कि मुझे वहाँ जाना है। तो अब हम सभी को
अपने घर वापस जाना है तो वहाँ के लिए भी अब पूरी तैयारी चाहिए। और धीरे धीरे हम सभी की कुछ न कुछ तैयारियाँ हो भी रही हैं। जहाँ तक बाबा हम बच्चों को कहते हैं, क्योंकि कल परसों के मुरली में भी बाबा ने कहा, एक भी कमी कमजोरी नहीं होनी चाहिए, संपूर्ण तैयारी है ना। तो वो अंत का समय जो बाबा कहते हैं हम बच्चों को कि कर्मातीत अवस्था, तो वो समय अब आ गया है कि हम सभी बच्चों को कर्मातीत स्टेज तक पहुंचना है। बाप दादा के समीप जाने के लिए उनके समान बनना है। तो इन सारी तैयारियों के लिए देखिए भगवान की कितनी नजर है हम सभी के ऊपर, कि समय प्रति समय श्रृंगार करने के लिए किसी न किसी को बाबा निमित्त बना देता है ना। तो आज आप सभी योग भट्टी में बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हैं? योग भट्टी में बैठे हैं, क्योंकि अभी तो कईयों को समय भी नहीं मिलता है ना, समय का भी अभाव है, प्लस बंधन बहुत कड़ा है। हम सभी को याद है कि स्टार्टिंग में महीने में दो भट्टियां तो हो ही जाती थी, जो हम सभी के बीच यज्ञ के पुराने भाई बहने होंगे उनको ये अनुभव होगा। और कैसे लगन से सभी भट्टियों के लिए उपस्थित होते थे। तो भट्टी में क्या होता है, क्या होता है माताएं? हाँ, कहते हैं ना कि एक तो भट्टी होती है जिसमें ईंट पकता है नहीं, और प्योर पक करके वो निकलता है। तो ये जो बीच बीच में हम सभी के लिए भी जो भट्टियाँ रखी जाती है वो किसके लिए रखा जाता है? परिवर्तन के लिए, आत्मा की परिपक्व स्थिति के लिए, है ना। वैसे तो हम सभी योग अपने अनुसार करते हैं, क्लासेज भी करते हैं, और जीवन के अंदर धारणाएं भी है, लेकिन आज के जो बाबा ने हम बच्चों को मुरलियां सुनाई, जो महावाक्य सुनाए हैं, उसके अनुसार अगर हम अपने आप को तौलें तो उतने खरे नहीं उतर पाते हैं। कारण क्या होता है? जो आज कई कंप्लेन बराबर आता रहता है, परिवर्तन नहीं है, है ना, परिवर्तन नहीं है। कारण क्या है जो परिवर्तन नहीं है? क्योंकि संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन है, कि संसार परिवर्तन से संस्कार परिवर्तन है, क्या होगा?
संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन है, और हम सबकी उम्मीदें ये रहती है कि संसार बदलेगा तो हम बदलेंगे। बताइए कौन बदलेगा? हम बदलेंगे, जग बदलेगा। तो बाबा कहते हैं कि हम सभी बच्चे आधार और उद्धार मूर्त है। संसार परिवर्तन होगा, लेकिन उनके आधार और उद्धार मूर्त आत्माएं कौन है? तो हम सभी बच्चे हैं। क्योंकि आज देखिए, परिवर्तन हरेक चाहता है कि परिवर्तन हो, लेकिन ये अगले से अपेक्षा है कि फलाना बदलेगा तो हम बदलेंगे, फलाना ये ऐसा करता है तो हम ऐसे कैसे करें। हम करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो कैसे संस्कार परिवर्तन होगा? क्योंकि हम यहाँ आए हैं स्वयं को बदलने के लिए, हम औरों को बदलने नहीं आए हैं। जब हमने बाबा को देखा या हमने बाबा को अनुभव किया, बाबा को हमने अपनाया, उस समय क्या किसी से पूछ के आए थे? हाँ ठीक है, आपने किसी को जीवन में देखा, इनके जीवन में कितना बदलाव आया है, नहीं चलो भाई ऐसे स्थान पे जाने से मेरे जीवन में भी बदलाव आएगा, ये प्रेरणा ही मिली। लेकिन बाबा कहते हैं कि हम सभी को परिवर्तन करना है और वो संपूर्णता की सीढ़ी चढ़नी है, तो पहले हमें अपने आप को बदलना होगा। क्योंकि हम कहते भी हैं ना, 16 कला संपूर्ण, ठीक है, 16 कला संपूर्ण और सर्वगुण संपन्न, कि एक अवगुण भी चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा, 15 कला चलेगा, 14 कला चलेगा, क्या चलेगा? 16 कला ही चलेगा। आज कलाकार अगर देवी की मूर्ति तैयार कर दे और एक बिंदी लगाना भूल जाए तो भी उनका श्रृंगार अधूरा है। रामचंद्र जी की प्रतिमा बना दी जाए और उनके हाथ में अगर जो तीर धनुष है वो अगर न दिया जाए तो लोग समझेंगे नहीं कि पता नहीं कौन से देवता है ये, वो भी अधूरा है। तो हम सभी तो यहां होवनहार देवी देवता बैठे हैं, तो एक श्रृंगार अधूरा चलेगा? 14 कला चलेगा? नहीं चलेगा। तो मुझे 16 कला संपूर्ण बनना है। तो जो बाबा प्रत्येक दिन ये कहते हैं कि बच्चे पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो, कई वाणियों में आपने सुना होगा कि अगर 3 पेज की वाणी है तो 3 पेज में ही बाबा कहते हैं कि बच्चे पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो। आखिर क्या पुरुषार्थ करो?
16 कला संपूर्ण बनने के लिए हमने कहा कि बाबा बार बार हम बच्चों को कहते हैं पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो, कहते हैं ना। अब कई सोचते हैं कि बाबा बार बार कहते हैं पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो, आखिर क्या पुरुषार्थ करो, क्या पुरुषार्थ करो, क्यों बाबा को कहना पड़ता है बार बार पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो, क्योंकि अब हमारे जो ज्ञान के चार सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, हाँ, धारणा और सेवा, है ना, तो हम सभी चेक करें कि मैं किस सब्जेक्ट में कमजोर हूँ। जैसे कोई बच्चा अगर मैथ में, साइंस में, इंग्लिश में, जिसमें भी वो वीक होता है, उसका एक्स्ट्रा कोचिंग करता है, एक्स्ट्रा मेहनत कराया जाता है उससे कि ये इसमें कमज़ोर है, ये क्या है, पुरुषार्थ है। आप योग लगा रहे हैं, अमृत वेला भी उठ रहे हैं, समय से मुरली क्लास भी हम कर रहे हैं, लेकिन जो जीवन में परिवर्तन चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, तो इसके पीछे कारण भी यही है ना कि हम अपने आप को चेक नहीं कर पा रहे हैं। और अगर आज का समय ऐसा आ गया है कि भले वो कबीरदास जी का दोहा है, निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, नहीं, और आज अपने आंगन से कुटिया उजाड़ के फेंकने वाले हैं कि कुटिया छवा के रखने वाले हैं, हैं? कबीर दास जी का दोहा में कहा गया है ना कि जो आपकी निंदा करने वाले हैं उनको भी आप अपने घर के बगल में, घर के आंगन में एक जगह दे दो, किस लिए, ताकि बिना साबुन के, हाँ, बिना पानी के वो आपको क्लीन करे। लेकिन आज जो समय का दौर चल रहा है, क्या बच्चे हैं, क्या बड़े हैं, वो कुटिया ही उजाड़ के फेंक देना चाहते हैं कि न रहेगा बांस न बजेगा बांसुरी। आज का समय है ना, हाँ, कोई अगर आपकी एक बात किसी को सुना दे और उसको पता चल जाए कि फलाने ने ही मेरा कंप्लेन किया है, उसके बाद देखिए उसकी क्या स्थिति है, वो 100 बार पूछेगा आपने मेरे विषय में ऐसा क्यों कहा, क्यों कहा। अब हम अपने आप को चेक नहीं कर पा रहे हैं, स्वयं का परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं और अगले पर धावा बोल रहे हैं। इससे परिवर्तन आएगा ना, स्वयं का परिवर्तन होगा और ना अगले का परिवर्तन होगा। जबकि बाबा कहते हैं जब आपने बाबा को पहचाना और बाबा ने आपको अडॉप्ट किया तो एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपको दी हुई है, हाँ, जिम्मेवारी का ताज पहनाया हुआ है कि आपको विश्व परिवर्तन का कार्य करना है और यहाँ स्व परिवर्तन में ही कई रोड़े आ रहे हैं। तो विश्व परिवर्तन कब होगा, कब होगा, अभी ही आप देखिए हमारे ही स्वभाव संस्कार क्या होता है, एक बहुत बड़ा पेपर के रूप में आ जाता है जो हमारी अवस्था को एक रस रहने नहीं देता है, अचल अडोल रहने नहीं देता है,
जो बाबा कहते हैं ना, एक रस स्थिति, अचल अडोल स्थिति, ये आपका प्रमाण है, ये आपकी सर्टिफिकेट है कि आपकी स्थिति कितनी एक रस है, आपकी स्थिति कितना अचल अडोल है। अभी क्या होता है, थोड़ी सी कोई बात आती है और बुद्धि डोलायमान हो जाता है, हलचल में आ जाता है, ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया। हाँ ठीक है, भले क्योंकि बाबा ने बुद्धि में ज्ञान भरा है ना, तो जैसे जैसे वो ज्ञान इमर्ज होता जाता है और हम उस चीज़ को रियलाइज करते जाते हैं, फिर धीरे धीरे मेरी स्थिति अपने स्टेज पर आता है, लेकिन तब तक बहुत कुछ हमारा चला जाता है। तो विशेष पुरुषार्थ तो हमें इसी बात पर करना है कि मैं कौन सा सब्जेक्ट में कमजोर हूं। चलो मेरा योग अच्छा है, क्या मेरी धारणाएं भी उतनी अच्छी है, और जो जीवन में धारणाएं हैं क्या, अगर मेरे जीवन में वो चीज है तो मैं किसी को दे भी सकती हूं, और जब मेरे पास ही नहीं होगा तो हम दे कैसे पाएंगे। जबकि बाबा कहते हैं कि आप सभी दाता के बच्चे बैठे हो, कौन हो, दाता के बच्चे हो, और दाता के बच्चे, एक राजा का बेटा अगर किसी से भीख मांगे किसी भी चीज के सहयोग के लिए, तो उसको क्या कहेगा, कोई कहेगा ये राजा का बेटा है, कहेगा। तो हम सभी दाता के बच्चे, मास्टर दाता बैठे हैं, कौन बैठे हैं, मास्टर दाता। अब देखिए आपके आगे मास्टर लगा हुआ है, ठीक है ना, और कई हमारे भाई, कई हमारे माताएं, नहीं ये सब यूज करते हैं कि ये व्यक्ति मास्टर माइंड है। क्या है, मास्टर माइंड है, किस चीज में, किस चीज में मास्टर माइंड है, शब्दों के उलट फेर में, ठीक है, झूठ को सच बनाने में, इसको मास्टर माइंड बोलेंगे क्या, बोलेंगे इसको, लेकिन आज इसी का नाम है। कैसे बातों को बना करके, नहीं अपने आप को कि मैं बिल्कुल सत्य हूं उसको प्रूफ कर देना, आज के समय में उसको ही मास्टरमाइंड कहते हैं। सोचिए, जो झूठ को सच में बदलता है। तो बाबा ने हम बच्चों को ऐसी कला सिखाई है, कौन सी कला, क्योंकि लगा हुआ है मास्टर दाता, है ना, मास्टर दाता हर चीज का। कई लोग सोचते हैं जो आपके जीवन में धारणाएं हैं ना, चाहे वो ब्रह्मचर्य का हो, शुद्ध अन्न का हो, आप देखिए कई इसको सुनते हैं तो उनको डिफिकल्ट लगता है, ये बहुत मुश्किल नहीं होगा, लेकिन आप बच्चे उसको क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। तो जब प्रैक्टिकल करके दिखा दिया उसी को मास्टर कहेंगे ना, किसको कहेंगे, हाँ लोग तो संत महात्माओं को कहते हैं, ये तो कहते हैं, अच्छा बाबा भी मुझे वतन से सुनाते हैं, लेकिन हम बच्चे उसको क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं।
तो मास्टर कौन हुआ, है ना? और मास्टर दाता के बच्चे, मास्टर दाता हम सभी बैठे हैं और सुबह से शाम तक हम सभी की एक दूसरे से ही अपेक्षाएं रहती है। क्या रहती है? ये मुझे खुश नहीं रहने देता है, हाँ? मैं चाहता हूँ शांति से बैठूं, लेकिन शांत रहने नहीं देता है। बोलिए आप, शांति दूत कौन है? हम बच्चे हैं। हम बच्चे शांति दूत है ना। और अगले से अपेक्षाएं, मुझे देना है, मुझे देना है। आपका हाथ ऐसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? क्योंकि आप सभी कौन बैठे हैं? देवी देवता बैठे हैं, है ना? होवन हार देवी देवता। तो देवताओं के हाथ सदा ऐसे होते कि ऐसे होते? हाथ रहता कैसे है? कोई मुझे दे, कोई मुझे दे, कौन देगा? किसके पास है, किसके पास है? वो तो ऐसा लगता है कि एक भिखारी दूसरे भिखारी के आगे कटोरा फैलाए खड़ा है कि भाई मुझे कुछ दे दो, जिसका कटोरा खुद ही खाली है। जिसके पास खुद ही शांति नहीं होगा, वो आपको कहाँ से देगा, देगा? और आज ये बराबर कंप्लेन आता है, ये बातें आती है घर परिवार में, समाज में। आप सभी रहने वाले हैं, है ना? और वो ये कहते हैं कि मेरा परिवार ऐसा, मेरा परिवार ऐसा, मेरा परिवार ऐसा। अरे परिवार तो जो है जैसा वैसे ही रहेगा ना, रहेगा ना? बाबा की पढ़ाई कौन पढ़ रहा है? बच्चे पढ़ रहे हैं, हाँ? सहन शक्ति कौन ले रहा है? हम बच्चे ले रहे हैं। और हम कहेंगे थोड़ा भी इसको सहन शक्ति नहीं है, ले हम रहे हैं, रखू रहा है? कौन रखेगा, कौन रखेगा? अरे भाई भगवान से हम ले रहे हैं तो मेरे पास रहेगा ना कि उनके पास रहेगा, हाँ? शांति से जीने नहीं देता है। अरे आप शांति से जीने की कला सीख रहे हैं तो आप सिखाएंगे ना? आप कहते हैं मुझे शांति से जीने नहीं देता, हाँ? अगले से आप सुख की डिमांड कर रहे हैं, जा सुख दाता, जो दुनिया को सुख देने वाले हैं वो मेरा है, और हम किसी और से अपेक्षा रख रहे हैं जिसकी झोली खुद ही खाली है कि ये मुझे थोड़ा तो सुख देता, हाँ? फिर कहेंगे देखो मेरे घर परिवार वाले ना प्यार से कोई बात नहीं करते हैं, प्यार के सागर से प्यार तो आप भर रहे हैं, तो आप प्यार देंगे ना कि वो देगा? कौन देगा? हमें देना है। और आज ये बराबर कंप्लेन बनी रहती है, रहती है ना ये शिकायत, हाँ? घर परिवार में, समाज में कि लोग रहने नहीं देता है। बाबा तो वो कलाएं मुझे सिखा रहा है। कहते हैं ना कि ब्रह्मा कुमारीज में हम राजयोग सीखने जाते हैं, और राजयोग क्या सिखाता है? जीवन जीने की कला सिखाता है। क्या सिखाता है? जीवन जीने की कला सिखाता है। मेरा जीवन श्रेष्ठ बन जाए, कैसे मेरा जीवन महान बन जाए, कैसे मेरा जीवन पूजनीय बन जाए, ये कला भगवान हमें सिखाता है। तो हमें औरों को सिखानी है, वो मुझे क्या सिखाएगा और उनसे मुझे क्या मिलेगा? मुझे उनको देना है। लेने की, देने वाला दाता तो आपके हाथ में है,
देने वाले दाता को तो आपने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। पूरा समर्पित किया है कि आधा आधा किया है कि बचा हुआ है एक भाग? हाँ, जिन्होंने पूरा बाबा को अपना जीवन समर्पित कर दिया है वो थोड़ा हाथ उठाइए। भाइयों में कुछ बचे हुए हैं वो लगते हैं कि अपना जीवन समर्पित पूर्ण नहीं कर पाए, आधा आधा जीवन में है क्या? हाँ, कहते हैं हमने तो अपना पूरा जीवन बाबा को दे दिया है ना। तो जब हम बाबा के हो गए, बाबा हमारे हो गए, फिर हमें किस बात की कमी है? फिर मुझे लोगों से अपेक्षाएं क्यों है कि लोग मुझे देगा? आप लोग को दीजिए, लोगों से लेने की अपेक्षा मत रखिए, आपको देना है, ठीक है ना। तो ये भट्टियां किस लिए रखी जाती है? किस लिए रखी जाती है? परिवर्तन के लिए, जहां अपनी इंद्रियों को तपाने की बात है, तपने की बात है ना। क्योंकि आज भी बाबा ने मुरली में कहा, कल भी, कि ये आंखें बहुत धोखा देती है, तो ये भी मेरी एक इंद्रिया है जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। तभी कहते हैं ना कि ना चाहते हुए भी आंखें चली जाती है, ना चाहते हुए भी ये नहीं सुनना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, कान तक आ ही जाता है, क्यों आता है? आप बोलना नहीं चाहते हैं फिर भी बुला जाता है, अरे वैसे कैसे बोला जाएगा? ये सब आउट ऑफ कंट्रोल, नो कंट्रोल, है ना। तो बाबा भी कहता है कंट्रोलिंग पावर, जब सुपर पावर मेरे पास में है और सुपर पावर से हमारा कनेक्शन है, तो अगर अभी भी हम कंट्रोलिंग पावर अगर मेरे अंदर नहीं आएगा तो हम आगे कंट्रोल कैसे कर सकेंगे? क्योंकि जो स्वराज्य अधिकारी सो भविष्य राज्य अधिकारी, पक्का ना? जो स्वराज्य अधिकारी वो भविष्य राज्य अधिकारी, तो पहले स्वयं पर राज्य करने वाला, स्वयं की इंद्रियों पर राज्य करने वाला, है ना। आप सभी ने देखा होगा कि जो संत महात्मा तपस्या करते हैं ना, तो उनकी जब तपस्या की मुद्रा में जब बैठते हैं वो, तो उनका हाथ पांव हिलता है। ठीक है, बाबा ने इजी बना दिया, बहुत इजी बना दिया कि आप कैसे भी बैठो। जैसे बाबा का ना कि चलते फिरते हमें बाबा को याद करना है ना। एक बार मुरली में बाबा ने कहा होगा, आप सभी भी जानते होंगे, सुनते होंगे, कि सोते उठते जगते बैठते भी मुझे बाबा को याद करना है। ठीक है, एक बार मैं कहीं क्लास में गई होगी, तो सुबह अमृत वेले में बाबा के कमरे में गई। अब भोली भाली माताएं होती है ना, बाबा के बच्चे तो भोले ही होते हैं। वो बाबा के कमरे में लेट के योग कर रही थी। मैंने कहा आप क्या कर रहे हैं? बोली मैं योग कर रही हूँ। तो मैंने कहा ऐसे कैसे योग हो रहा है भाई? तो नहीं, बाबा बोला ना लेटे लेटे भी बाबा को याद करो। मैंने कहा वो बिस्तर पे करो या नहीं करो, माना कहाँ करना है, कैसे, क्यों? बहुत भोली होती है माता है, बाबा बोलते हैं ना, भाई भी भोले होते हैं, खाली माता ही नहीं होती है। अब सोचिए, ये ठीक है बाबा ने मुझे ये ज्ञान दिया है, लेकिन इसको कहाँ यूज करना है ये भी समझ में नहीं आता है। जैसे आप सभी ने कथाएं सुनी होगी, है ना, कि एक पिता जाने से पहले अपने बच्चों को यह संदेश देकर जाता है ना कि बेटा छाँव में आना, छाँव में जाना, छाँव में आना, छाँव में जाना, ठीक है।
और हरेक को मीठा खिलाना, ठीक है, और किसी को देना तो लेना मत, ठीक है। अब वो क्या करता है, पिता तो उसके चले गए, इतना कह के चले गए। अब वो सोचता, अरे पिताजी ने तो कहे थे कि छाँव में आना छाँव में जाना। अब छाँव में आना छाँव में जाना का मतलब वो समझ लिया कि घर से लेके दुकान तक वो एलिवेस्टर डलवा लिया कि पिताजी बोले छाँव में आना है छाँव में जाना है, वो एलिवेस्टर डलवा लिया। जो आए उसको बढ़िया बढ़िया बना के खिला दे भाई, मीठा बोलन, हाँ, और देना तो लेना नहीं। अब जिसको उधार दे रहे वो मांगे नहीं, अब सोचिए उसका दुकान क्या होगा। अब छाँव में आना छाँव में जाना का मतलब ये बोला कि तुम जल्दी दुकान जाना और जल्दी दुकान बढ़ा के वापस आ जाना, आना समय से जाना और समय से आना। तो उसने सोचा छाँव में आना छाँव में जाना, तो घर से लेके दुकान तक एलिवेस्टर लगवा लिया। आप सोच लीजिए, यहाँ से रिफाइनरी तक अगर मेरा दुकान हो तो यहाँ से रिफाइनरी तक अगर एलिवेस्टर डलवा दें तो दुकान का क्या होगा। और रोज हम खीर बना के खिलाते रह जाएंगे तो हमारा दुकान कहाँ जाएगा, उसकी पूंजी कहाँ जाएगी। और जिसको हमने उधार में दे दिया उसको लेना ही नहीं है, तो फिर तो पिता ने तो कहा था उस भाव से कि बेटा छाँव में जाना छाँव में आना, है ना, और सबको सभी से आपका मीठा व्यवहार हो, है ना। किसी के लिए भी माना घृणा की भावना नफरत की भावना नहीं रखनी है। तो बाबा भी हम बच्चों को सिखाते हैं कि उठते बैठते चलते फिरते मुझे बाबा को याद करना है, लेकिन बाबा ने ये कहा था कि आप शरीर से अस्वस्थ हैं कमज़ोर हैं, तो उस स्थिति में भी जैसे कई कहते हैं ना कि क्या करें कमर में दर्द था आज मैं उठ नहीं पाई या उठ नहीं पाया या बाबा को याद नहीं कर पाया या मैं बहुत बीमार हूँ तो मैं कैसे चल सकूँ, उसके लिए बाबा ने ये कहा है। क्या कहा, कि आप लेटे लेटे भी बाबा को याद कर सकते हैं, लेकिन जो शरीर से स्वस्थ है वो लेटे लेटे बाबा को याद करेंगे। तो उन्होंने कहाँ से कहाँ यूज कर दिया उसको ले जा करके, है ना। तो आप अपना अनुभव देखिएगा, क्योंकि हम लोगों ने, आप सभी जो पुराने बाबा के बच्चे यहाँ बैठी हैं, क्योंकि हमारी पालना कुंज दादी जी की है, जो कुंज दादी बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी जी की बहन की बेटी है, और उनके साथ हैं कृष्णी दादी जो बड़ी दादी की बहन है। हमने कभी, आपको बता दें, 2000 से पहले तक यानी 91 तक हम दादी के कनेक्शन में रहे, और माना 79 से और 92 में हम सेवा अर्थ, क्योंकि बाबा कहता ना सेवा अर्थ कहीं कहीं बाहर जाना भी पड़ता है, तो बाबा ने मुझे कुछ समय के लिए बाहर भेज दिया था यूपी में फिरोजाबाद में। फिर बाबा को, हमको लगता है इधर बिहार की सेवा लेनी होगी, तो फिर बाबा ने मुझे वापस भेज दिया, क्योंकि देखिए बाबा कहता है कारणों में नहीं जाना चाहिए, हर चीज़ में पॉजिटिव लेना चाहिए, है ना। तो बाबा भी इसी प्रकार से मुझे इधर भेज दिया। तो हमने क्या देखा कि कुंज दादी जी कभी भी 91 तक में सोफा का यूज नहीं की है, सोफा और कुर्सी का योग यूज नहीं हुआ है योग में। और हम लोग जो उन्होंने पालना लिए हुए हैं, तो हम उसका अनुभव करते हैं कि देखिए हम लोगों का जो एज है, आज छोटी छोटी बहनें भी हमारे पास में हैं, वो भी कहती हैं कि दीदी पेट का सपोर्ट चाहिए। और सपोर्ट क्या करता है, आलस को पैदा करता है, ठीक है। कई ऐसे हमारे बुजुर्ग भाई हैं, कई माताएं हैं, कई अस्वस्थ हैं, तो उनको वो सपोर्ट चाहिए, वो सहयोग चाहिए। लेकिन आज इसको हम इतना साधारण कर दिए हैं
कि जो नीचे भी बैठ सकते हैं ना, वो भी सोचेंगे नहीं मैं कुर्सी पर बैठ जाऊं। और आप देखिए, जितना आप नीचे आसन लगा के और आप ध्यान की मुद्रा में बैठेंगे तो जितनी जल्दी आपकी अवस्था बनेगी, एकाग्र हो पाएगी, उतनी चेयर पर नहीं हो पाएगी। होती है, आप लोगों ने अनुभव किया है हाँ। तो हम सभी का पूरा प्रयास हो, क्या प्रयास हो हाँ, नीचे बैठने का अभ्यास करें। बाबा ने सुविधा तो दे दिया है ना। तो बाबा ने यह भी कहा है कि मुझे साधनों के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि साधनों के पीछे मेरी साधना खत्म है। और सचमुच इस बात का हमें भी ये अनुभव है और हमने ये महसूस भी किया है। और जो यहाँ उपस्थित हमारे कई ऐसे बुजुर्ग भाई बहने बैठे हैं, जो जिनका 20 साल 15 साल हो गया होगा, उन्होंने अनुभव किया होगा कि जो वो स्थिति बनती थी आज वो स्थिति नहीं है, जो मेरी अवस्थाएं होती थी आज वो अवस्थाएं नहीं है। कारण क्या है? योग में कमी है। क्या है? योग में कमी है, जिसको बाबा बार बार रिवाइज करते हैं कि बच्चे क्या करो, पुरुषार्थ करो, योग कमजोर है, योग के चार्ट को बढ़ाओ, क्योंकि सब कुछ निर्भर किसके ऊपर है? योग के ऊपर है, सब कुछ निर्भर है योग के ऊपर। आप देखिए, बाबा 3 पेज की मुरलियां सुना देते हैं और लास्ट में क्या कहते हैं? मुख्य बात योग, मुख्य बात योग। योग क्या है? योग क्या है हाँ, जोड़, बुद्धि की तार, मन की तार, मन की एकाग्रता है ना। और सारा खेल तो उसी पर है। कर्मातीत स्थिति क्या है? यही है, मन बुद्धि को एकाग्र करना। और आज हमारा मन और बुद्धि एकाग्र हो नहीं पाता। आप देखिए, थोड़ी देर आप योग में बैठेंगे और उसके बाद आप ये देखेंगे कि मेरे पास कौन आके बैठ गया, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, तो इससे क्या हमारी स्थिति बन पाएगी? बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। और इसी कारण है, योग की कमी के कारण ही है कि संस्कार परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। जहां बाबा कहते हैं संस्कार मिलन का रास निर्विघन स्थिति, ये दो चीज है ना, संस्कार मिलन का रास और निर्विघन स्थिति। थोड़ी थोड़ी बातों में डिस्टर्ब हो जाना, बताइए, हम सभी होवनहार देवता हैं। जिस मंदिर की मूर्तियां, जिस मंदिर में आप देखिए, आप मंदिर में जाते हैं, चाहे दुर्गा पूजा में इतने सारे देवियों की हर चित्र बने हुए होते हैं, तो आप सभी जाके देखे होंगे कि हर मूर्ति का पोज अलग अलग होता है, होता है ना। कई मूर्तियां आपको शक्तिशाली दिखाई देंगी, कई ममता में मूर्त दिखाई देंगी, किन्हीं की नैनों में वो प्यार झलकता हुआ दिखता है, कई फिर दिखता है कि अरे आज माता रानी तो बहुत गुस्से में है, दिखता है ना। एक मनुष्य की बनाई हुई मूर्ति है, आप जैसे एक कलाकार की बनाई हुई वो चीज है। और हम सभी होवनहार देवी देवता है, सतियों के महाराजा महारानी बनने वाले हैं, तो हमारा पोज अगर बदल गया तो हम अपने भक्त को क्या दे पाएंगे? क्योंकि बाबा बार बार कहते हैं, क्या आपको अपने इष्टों की पुकार सुनाई देता है? आपको अपने भक्तों की पुकार सुनाई देता है हाँ? कौन पूरी करेगा, कौन देगा? तो आज अंत समय की बात आती है, अंतिम स्टेज की, कि मुझे निर्विघ्न स्थिति बनाना है ना। और हम अपने ही विघ्नों में उलझे हुए हैं। जो उलझन को सुलझाने वाला वो खुद के उलझन में उलझा हुआ तो दूसरों को कैसे सुलझा पाएगा? तो हम सभी को फर्स्ट पार्ट यही है कि अपने योग का चार्ट बढ़ाना है।
योग का आचार बढ़ाना है। और दूसरी बात जो हमने ये कहा था कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। आज अगर कोई मेरी कमी कमजोरी के तरफ इशारा कर देता है तो शास्त्र भी कहता है कि अगर कोई व्यक्ति 3 बार अगर आपको इशारा कर दिया कि भाई आप में ये कमी है, ठीक है नहीं है मैं ये मानती हूँ, लेकिन हमें खुद को चेक करना है कि कहाँ मेरे में इस चीज़ की कमजोरी है। अगर नहीं भी है तो आगे के लिए मुझे अलर्ट रहना है, आगे के लिए मुझे अटेंशन देना है ना। लेकिन ये नहीं कि जिसने मुझे इशारा दिया हमें उसे फिर पलट करके जवाब दे देना है कि तुम अपने आप को देखो। कहते हैं ना कि बड़ा आया मुझे बोलने के लिए, अपने तो देखो ना तुम्हारे जीवन में क्या है। नहीं, जवाब देने से हम तो ज़्यादा होशियार नहीं हो जाएंगे ना कि होशियार बन जाएंगे, हाँ नहीं, क्योंकि बाबा कहते हैं युक्ति से मुक्ति, बात बने बात बिगड़े नहीं, क्योंकि हम सब कैंची नहीं हैं, कौन है सुई का काम करने वाले हैं, हम सब जोड़ने वाले हैं तोड़ने वाले नहीं हैं। नहीं, आज देखिए इतनी बड़ी रामायण कैसे बन गया, एक मंथरा के कारण, जिसने क्या किया मन को तोड़ने का काम किया है तो इतना बड़ा रामायण बन गया ना। हाँ, जुबान पे कंट्रोल नहीं तो महाभारत बन गया ना। हाँ, तो हम लोगों को रामायण और महाभारत करनी है क्या, क्या करना है? हम लोगों ने जिम्मेवारी ली है स्वर्ग लाने की। क्या लाने की? स्वर्ग लाने की। ये भारत को सोने की चिड़िया बनाने की ये मेरी जिम्मेवारी है। तो हमें कैंची का काम नहीं करना है, मुझे सुई का काम करना है। हमें ऐसे भी बाबा कहते हैं कि व्यर्थ के बातों में जाने की जरूरत नहीं है, ना ही व्यर्थ सोचना है, ना ही व्यर्थ बोलना है, मुझे किसी औरों को देखना ही नहीं है। अगर देखना ही है तो किसको देखो? बाबा को देखो, जो हमारी संपन्नता को प्राप्त की हुई हमारी दादियां हैं, हमें उन दादियों को देखना है, जिस दीदियों में जो इनके जो मुझे पालना दे रही हैं उनकी जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं को मुझे देखना है और अपने आप को विशेषता से संपन्न और संपूर्ण देवता बनाना है। ओम शांति।